नमस्कार दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो के माध्यम से क्या-क्या जानकारी सीखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में हर किसी को पैसा कमाना पसंद है। हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, चाहे ऑफलाइन में करे चाहे ऑनलाइन में करे। तो मेरे इस चैनल का जो माध्यम होगा वो होगा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया आपको देना, ऑफलाइन बिजनेस आइडिया आपको देना, पैसे कमाने के तरीके आपको बताना, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना। इससे भी अलग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बिजनेसमैन से आपको मिलाऊंगा और उनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करवाऊंगा, जिससे कि आप खुद भी मोटिवेट हो पाए और आप उनके बिजनेस फंडों को समझकर आप रियल बिजनेस स्टैंड अप कर पाए, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर पाए और उसका फायदा ले पाए। अब भाई ये चीज मैं किस बेसिस पे सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी 5 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में और मैंने भी बहुत सारे बिजनेस अब तक अप्लाई कर चुका हूँ। बहुत सारे बिजनेस आज के टाइम पे सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। कहाँ से स्टार्टिंग कराऊंगा आपको? ऑनलाइन बिजनेस से स्टार्टिंग कराऊंगा। आप कहोगे कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टिंग क्यों करा रहे हो आप ऑफलाइन बिजनेस बताओ ना हमें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 5 साल बाद ऑफलाइन बिजनेस नाम मात्र के लिए रह जाएंगे। सारा के सारा जितना भी बिजनेस है वो सारा के सारा ऑनलाइन आ जाएगा। अगर आप इस डिजिटल फील्ड को नहीं समझोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ खड़ी कर सकता है। आज के टाइम पर जो लोग ये बोलते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है, ये गलत बोलते हैं। आप अपनी स्किल को उस टाइम के बेसिस पर इंक्रीज नहीं कर पाए, आपकी स्किल पुरानी है लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि उसके हिसाब से आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाए। अगर आप आज ये सोचते रहेंगे कि ये डिजिटल वर्ल्ड कुछ भी नहीं है या ये आने वाला नहीं है, 2 साल बाद आप पछताओगे और गवर्नमेंट को दोष दोगे कि हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारा बिजनेस ठप हो गया। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मंदी का समय आ गया है, बिजनेस बंद हो रहे हैं। बिजनेस बंद नहीं हो रहे, बिजनेस सक्सेस हो रही हैं। ओयो को देख लो, ओयो एक छोटी सी कंपनी जो कि एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हुई, बहुत कम फंडिंग से स्टार्ट हुई, आज करोड़ों की अरबों की कंपनी बन चुकी है। ओला ओला भी एक छोटे से स्टार्टअप था जो आज करोड़ों की कंपनी बन चुका है। अगर आप जोमेटो को देखें, जोमेटो भी एक इतनी बड़ी कंपनी बन चुका है। मैं ऐसी हजारों कंपनियां आपको गिना सकता हूं जो आज अरबों खरबों की कंपनियां बन चुकी हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, मंदी का दौर है और इस टाइम पे बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। हाँ बेरोजगारी है, सही बात है, लेकिन बेरोजगारी उनके लिए है जिन्होंने खुद की स्किल में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं किया, उन्होंने डिजिटल फील्ड को नहीं पहचाना। पहले क्या होता था कि जब हमें होटल बुक करना होता था तो होटल ढूंढते थे जगह जगह जाके कहाँ कहाँ होटल है, उसके बाद जाके बुकिंग करते थे। फिर हमें वहाँ पर प्रॉब्लम आती थी, अगर होटल सही नहीं मिलता, हमें सर्विस अच्छी नहीं मिलती, लेकिन आज ओयो की हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ही होटल बुक कर सकते हैं, होटल की रेटिंग देख सकते हैं, कस्टमर रेटिंग देता है उनको देख सकते हैं। तो आपको अगर उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे खुद को और अपने बिजनेस को, तो आपका बिजनेस डूबेगा और आप सरकार को दोष देते रहोगे। अब डिजिटल में हम सिखाएंगे आपको क्या? अगर हम कहें कि आपको डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस के फील्ड में ले जाएंगे तो आपको क्या-क्या चीजें सीखने की जरूरत है? डिजिटल फील्ड में हम दो टाइप से बिजनेस आइडियाज को डिफाइन करेंगे। पहला आइडिया रहेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस कैसे कर सकती हैं और कौन-कौन से बिजनेस कर सकती हैं। फिर आएगा विद इन्वेस्टमेंट आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन कौन से बिजनेस करेंगे उनके बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारे पास नहीं है पैसा, लेकिन हमारे पास मोबाइल फोन है,
हम अपने मोबाइल फोन की हेल्प से कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं जिससे हमारी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे बोलेंगे कि हमारे पास लैपटॉप है, तो फिर लैपटॉप की हेल्प से कौन कौन से ऐसे बिजनेस किए जाएं जिनसे हमारी अर्निंग हो सके। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे पास पैसा भी है, क्या हम थोड़ा सा पैसा लगा के और इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर मैं उन्हीं छोटे छोटे बिजनेस को थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इनक्रीज करना बताऊंगा। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी दुकान है और हम अपनी दुकान का प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकती हैं क्या, तो उनको ऑनलाइन बेचना सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे घर पे ये प्रोडक्ट बनता है, हम अचार बना लेते हैं, हम ये बना लेते हैं, हम ये बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना लेते हो, तो उनको भी ऑनलाइन सेल करना बताऊंगा कि भाई कैसे सही तरीके से सेलिंग के लिए लगानी है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ऑनलाइन सेल करने के लिए हमें GST चाहिए, हमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, हमें बहुत सारे काम करने हैं, ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना है, बहुत कुछ सिखाएंगे। तो सारे बिजनेस का सेटअप करना सिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे, GST नंबर लेना सिखाएंगे, GST फाइल करना सिखाएंगे। मतलब आपको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है कि आप, और अगर बेसिक बात करूं, आपको ब्लॉगिंग करना सिखाएंगे, यूट्यूब से अर्निंग करना सिखाएंगे, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बात कर रहा हूँ, फ्रीलैंसिंग, पेड कोर्स, ऑनलाइन पढ़ाना, लाइव कोचिंग चलाना, बहुत कुछ सिखाएंगे। अगर आप कुछ भी जानते हो और उसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। अब भाई बात आती है, ये रहे ऑनलाइन बिजनेस, अब बात आती है ऑफलाइन बिजनेस की। ऑफलाइन बिजनेस में आप मेरे को कमेंट करोगे और आपको उन लोगों से डायरेक्ट मिलाऊंगा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपने बोला कि अगर हमें मशरूम की खेती के बारे में जानना है, तो सीधा मैं आपको उस किसान का इंटरव्यू दिखाऊंगा, जाके किसान से बात कराऊंगा आपकी, जाके सीधा लाइव वीडियो में जो इस फील्ड में है, सालों से इस खेती को कर रहा है। ऐसे ही जो जो आप ऑफलाइन के बिजनेस बोलोगे कि हमें इस बिजनेस के बारे में जानना है, डायरेक्ट उस बिजनेसमैन से मिलूंगा और उसका इंटरव्यू करूंगा, आपके सवालों को उसके सामने रखूंगा, वो क्लियर जवाब देगा हर चीज के बारे में, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसने मशीनरी कहाँ से खरीदी, उस प्रोडक्टिविटी कैसे करता है, मशीन काम कैसे करती है, इसके प्रोडक्ट जो निकलता है वो प्रोडक्ट कहाँ पे सेल होता है, इससे प्रॉफिट कितना होता है, कितना सेटअप खर्चा आता है, क्या क्या करना जरूरी है, ऐसे पूरी डिटेल में वीडियो बनेगी। अब भाई काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और काफी अच्छा लगेगा आपको ये सुन के कि ये सारी चीज़ें, इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी वीडियोज मिलेंगी यहाँ पे। हर टाइप की वेबसाइट बनाना है, आपकी एक छोटी सी दुकान है, उस छोटी सी दुकान के प्रोडक्ट को ऑनलाइन अपनी खुद की वेबसाइट पर डालना, सेल करना, आपकी खुद का बिजनेस ऑनलाइन लाना। अगर आप चाहते हो कि अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल करना, अगर आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर सेल करना, अगर आप चाहते हो कि किसी और वेबसाइट पर सेल करना, तो वो भी सेल करना सिखाएंगे। कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे ऑर्डर आते हैं, कैसे ऑर्डर रिसीव होता है, फिर कैसे उसकी डिलीवरी कराते हैं, बहुत कुछ कंप्लीटली आपको सीखने को मिलने वाला है। अब भाई ये चीज़ सीखने के लिए आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाने की, जिससे कभी भी वीडियो आए तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख सको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सको। तो उसके लिए आपको ये करना है और आपको बताना चाहूँगा, आप कमेंट करके बताइए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस किस बिजनेस आइडिया की वीडियो चाहिए, जिनसे मैं डायरेक्ट मिलूंगा उनसे, बिजनेसमैन से, और आपका आपके सामने इंटरव्यू कराऊंगा और डायरेक्ट उनसे सवाल जवाब करेंगे। आपके जो जो सवाल हो वो इस कमेंट में भर देना, कमेंट को भर देना, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी का जितना भी आपको वीडियो मिलेंगी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिलेंगी, तो इसलिए बेल बटन ज़रूर दबा देना। ये वीडियो आपको जैसी भी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।